हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हमारे घर के नन्हे मुन्ने से बेबी के लिए हेल्दी रेसिपी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ उत्तराखंड से और मैं बनाती हूँ बेबी के लिए हेल्दी फूड रेसिपी। मेरे बेबी को हल्का खांसी हो रहा था तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या हम लंच में बेबी को राइस और दाल बना के खिचड़ी बना के दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला इस तरह से आप बना के दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बेबी को जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगर बेबी दुबले पतले कमज़ोर है तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मैं अपने बेबी के लिए जो रेसिपी बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का हमारा हेल्दी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर कटोरी में 4 चम्मच राइस, उसके बाद मैंने लिया इसमें मूंग की दाल 3 चम्मच, आप मसूर की दाल भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मूंग की दाल बहुत ही ज़्यादा बेबी के लिए हेल्दी होता है। तीन चम्मच मूंग की दाल हम इसमें ऐड कर देंगे और हम अच्छे से इसको धोएंगे। 3 से 4 बार हम जो राइस था और दाल था उसको अच्छे से धो लेते हैं। बर्तन गर्म होने के बाद मैंने 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। हम घी में भी बना सकते हैं पर सरसों का ऑयल गर्म होता है तो बेबी के लिए अच्छा होता है। मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला और थोड़ी सी जीरा। उसके बाद जो हमारा मूंग की दाल था और राइस था उसको भी हम बर्तन में डाल देंगे। थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा ही हम सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। उसके बाद हम 2 गिलास वाटर इसमें ऐड करेंगे और 3-4 सीटी हम अच्छे से लगा देंगे। देख सकते हैं मैंने 4 सीटी इसमें लगा दिया था। मेरे बेबी को हल्का प्यूरी खाना पसंद है तो मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि बेबी को खाने में आसानी हो। जब बेबी का तबीयत ख़राब होता है तो बेबी लोग खाने को मना करते हैं। तो आप ये रेसिपी लंच डिनर में बना के खिलाते हैं तो बेबी को ठंडा भी नहीं लगता है। इस तरह से आप अजवाइन और सरसों का ऑयल में बना के खिला सकते हैं तो बेबी को गर्म भी होता है और खांसी सही भी हो जाता है। मिक्स करने के बाद देख सकते हैं हमारा बेबी का हेल्दी खिचड़ी बन के रेडी है। मेरे चैनल में आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।